शरीर की दृष्टि से मैंने आपसे बताया और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना। अब ध्यान कैसे करना सोचे, ध्यान कैसे करना सवेरे उठ, पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत करके, पहली चीज है नत करना है, हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने यह सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, संयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्होंने हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं, और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाए, आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता, यह सवाल पूछना बहुत गलत बात। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए, 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें, पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दे, अपने को बंधन दे, अपने शरीर को बंधन दे, 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दे, स्थान को बंधन दे, फोटो को बंधन दे। ये तो हो गया मैकेनिकल बार करने का, तो कुछ कुछ लोग तो यूं कर लेते, हो गया काम खत्म, ऐसी बात नहीं। विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से, जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दे। उस वक्त में यह नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते भाई वो ले आओ इस तरह से, और उसके बाद अपने मन को बंधन दे। अब मन कहाँ होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि माँ मन कहाँ होता है। मन यहां होता है, यहां उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना है। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे, हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना आए, अत्यंत नतमस्तक होकर के। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं, सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो, उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व,
आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे मैंने पूछा आज तक कि माँ आत्मा कहाँ होता है? आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीट जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा की ओर समर्पित हो। आत्म तत्व का एसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें। और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक प्रयास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम करें। आप स्वयं प्रेम है। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से दो तीन बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगते हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं? हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आ करके सहयोगी में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है, रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं क्या? हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलत फहमी में नहीं रहना।
अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए, माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्ज्वल होना चाहिए, आपके मुख पे क्रांति आनी चाहिए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। फूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहयोगी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए, थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ। ऐसे लोगों को चाहिए कि जाए दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता, आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूं पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए, कपड़ों से नहीं लीजिए, कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध काम मोह मद मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं। संन्यास्त ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं, तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से सबसे प्रेम से व्यवहार करें, अपने बाल बच्चे घर वाले इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर ग्रहण करें, अपने दोस्त बदली, अपना उठना बैठना बदली, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें कहीं बाहर जाए किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राहुरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया चलो उसको तीर्थ पिला दिया, कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की उसको फोटो दिखा दिया, देखो भाई ये माता जी है और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते। जहां जो आदमी मिल जाए वो अपने साथ रखे रहिए कि चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं, देखिए आपको कैसे लगता है, ये हमारी माता जी। पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग को किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं, उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में सिर्फ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए कि जिन्होंने जब से सहयोग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं, माँ बीमार थे उनको कभी बीमारी नहीं, एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आए। बुड्ढे भी है उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहाँ बहुत से अनेक उदाहरण, इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों को भला किया। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए एक सहयोग के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से वो ठीक। आपस में मिलते रहो, आपस में सब तुम डॉक्टर से हो सब पेशेंट, और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते। आपस में ट्रीटमेंट करो, आपस में पूछो और उसे बुरा मानने कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपका सहस्त्रार पकड़ा है तो बड़ी शर्म की बात है, सहस्त्रार पकड़ा तो बड़ी शर्म की बात हो गई, तो हमारे विरोध में बैठ जाएगी बात। उसे कहना भाई फौरन ठीक कर दो, पता नहीं कैसे आदमी के साथ मैं बैठ गया। किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करता है, सहस्त्रार फौरन पकड़ जाए।
ऐसा आदमी अगर बोला तो कान बंद कर लो, और ऐसे आदमी कहना भाई तुम दूर बैठो, हमसे तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे से बात मत करो, बस हमको कोई अपना बुरा नहीं करना, आप कौन होते हमसे बात करने के लिए, आप यहाँ माता जी के वजह से हमसे मिले हैं और अब आप चुप रही। ऐसे जो भी आदमी बात करते उसे कहना बस बस करिए, आपका संसार पकड़ेगा, फिर एक एक चक्र पकड़ेंगे, होगा थोड़े दिन में आगे माता जी मुझे कैंसर हो गया, एक दो को कैंसर भी हुआ हमारे, आप तो ठीक हो गए लेकिन हुआ था। और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल संस्कार की बीमारी है, पक्की समझ लीजिए, कैंसर से अगर बचना है तो अपना संस्कार साफ रखो। संस्कार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई, मैं आपसे बता रहा हूं। संस्कार हमेशा साफ रखो, और हो सकता है कि आज नहीं कल 8 साल बाद आपको पता रहा है कि सडनली हमें कैंसर हो गया, तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्य पूर्ण रखें, और इतना ही नहीं सहयोग का कार्य करें जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बैठे हैं, और जब कल संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग होंगे। क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यर्थ का समय हम बर्बाद कर रहे हैं, इसके घर जाओ, रिश्तेदार के घर खाना खाओ, फलाने के घर घुसो, उसकी बुराई करो, छोड़ छाड़ करके और अपने मार्ग को ठीक बनाए और ऐसा जीवन बनाए कि संसार में उन लोगों का नाम हो। सबको सोचना चाहिए, कोई ये भी सोचे कि भाई अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है, अब तो क्या कर सकता हूं, सो बात नहीं, आप मरेंगे ही नहीं, आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं, फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे, ये चक्कर चलते रहेंगे, तो क्यों ना उसको एक साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप एक हफ्ते में भी खत्म कर सकते, एक बार निश्चय मात्र करना है एक क्षण तो भी खत्म हो जाए। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है, ये आप जानते हैं। शरणागति होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से होनी चाहिए। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं होनी, शरणागति होनी चाहिए। अगर शरणागत रहे अंदर से, पूर्णतया शरणागत रहे तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी, जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है उस तरह, एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा। लेकिन शरणागत रहे, शरणागत रहने में आनंद है, उसी में सुख की प्राप्ति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहज योग, इसको समझें और उसमें रत रहें, जितने आप उसे तादाद में पाएंगे उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने, और जिनको बेकार की बातें सोचती हैं उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके पास नहीं है। अब आखिरी बात बताऊंगी, इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, वे जोर बांधती हैं, उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं। शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं, भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु हूं। लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं,
दो दिन विशेष कर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, व्रत होके, ध्यान करके, चित्त को संस्कार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्र संस्कार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंधन में डाल दिया, आप बच गए। दो रात्रि को विशेष रूप से, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्म तक। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए, उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के। रामचंद्र जी का मतलब है क्या? क्रिएटिविटी का। अपने जो क्रिएटिव पावर है उसको पूर्णतया समर्पित करके और आपको रहना चाहिए। इन दो दिन अपने को विशेष रूप से बचाना चाहिए। हालांकि सप्तमी और नवमी दो दिन विशेष आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है। सप्तमी और नवमी के लिए उसका ख्याल रखना। सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें। और जब कभी भी आप बाहर जाएं, कहीं भी घर से बाहर जाएं, तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें। बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें। किसी से देखा कि किसी के आज्ञा चक्र पकड़ा कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डालिए। जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उसे कभी भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए। देखो बेवकूफी की बात है, जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बिल्कुल नहीं। वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो। क्योंकि कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, पहली चीज। जिसका विशुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका संस्कार पकड़ा है उसके तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। कहा अपना संस्कार ठीक करो भाई, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा संस्कार पकड़ा हुआ। संस्कार साफ रखना। अगर किसी का संस्कार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा संस्कार तुम लोग उतार दो किसी तरह। संस्कार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे, कुछ करे, कहना वो अपना दुश्मन है। उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करें जब तक उसका संस्कार पकड़ा है। अब वही हृदय चक्र, जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए। जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना, अपने हृदय पे हाथ रखना, मां की फोटो की ओर उसको ले जाना, हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना। क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी। हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए। और बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता, बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती है, और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहना चाहिए कि आप हठयोग छोड़िए, आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए। पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए अगर इंसान से नहीं होता, फिर इंसान से प्यार करें, खुद भी सबसे प्यार करें, बच्चों से प्यार करिए। बच्चों से ज्यादती नहीं करिए, किसी के साथ ज्यादती मत करिए, किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए। किसी को बच्चों को तो कभी नहीं मारना है, कोई भी सहयोगी को अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। सहयोगी को तो क्रोध करना ही नहीं है, उसको बुद्धिमानी से हर चीज को ऐसा सुझाव देना चाहिए कि क्रोध न दिखे, उसको कोई भी क्रोध करना नहीं। रोजमर्रा का जीवन सहयोगी का कैसा होना चाहिए इसके लिए आप प्रार्थना करें, उसका विचार अंदर जाए।